हेलो बच्चों, आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर बिलन में घोला है, बिलन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा? बोलन बिलन की मोलरता पूछी। अब मोलरता का सूत्र होता है W/m×B×1000। ठीक, यहाँ आपको बताया कि W/m×B×1000 किसका सूत्र होता है? मोलरता का सूत्र होता है। अब अभी सुबह पहली वीडियो में हमने बताया था कि जिसके अंदर ग्राम लिखा हुआ होता है, जिसके आगे ग्राम को डब्ल्यू का मान होता है, तो डब्ल्यू का मान कितना है? डब्ल्यू का मान इधर लिख देता हूँ। डब्ल्यू का मान है 5.85, जिसके आगे ग्राम में डब्ल्यू का मान है, और जिसके आगे मिली लीटर लीटर लिखा होता है वह बी का मान होता है। बी का मान हो गया तुम्हारा 200। अब बिलन की मोलरता पूछ रहा है, बिलन की मोलरता पूछ रहा है कि डब्ल्यू का मान भी हो गया, बी का मान हो गया, मगर एम का मान नहीं है इसमें। तो एम मैंने बताया था, एम निकालते हैं सूत्र से। सूत्र से में क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को लिखता हूँ ऐसे करके, NaCl। Na का मैंने उसमें बताया था, Na का होता है 23 अणु भार प्लस, और Cl का होता है 35.5। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 58.5। तो एम एम का मान कितना है? 58.5। हमारे पास डब्ल्यू का भी मान है, बी का मान है, और एम का मान है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे सूत्र में। तो मोलरता तो पूछ रहा है, तो मोलरता तो पता नहीं है, तो मोलरता जैसी है वैसी वैसी लिख दूंगा। तो मोलरता बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना है? 5.85 बटे, एम का मान कितना है? 58.5, 5 गुणा बी, बी का मान कितना है? 200 × 1000। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें? ऊपर नीचे काट देंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 पंजे हो जाएगा हमारा 10। अब क्या इस पॉइंट के आगे यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के आगे 1 संख्या है, तो अपनी तरफ से जिधर जिधर कम पड़ती संख्या उधर अपनी तरफ से लगा लेते हैं 0। अब दोनों के बराबर 2 संख्या हो गई, इधर भी पॉइंट के आगे 2 संख्या, इधर भी पॉइंट के आगे, पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा। तो 585 एकम 585 हुआ। ठीक, और ये हमारा 0 बचा। ऊपर क्या बचा? 5। ऊपर बचा 5 और नीचे बचा हमारा 10। अब 10 से हम भाग करेंगे 5 के लिए, हमारा आ गया 0.5। ठीक, जैसे 10 से भाग कर लेंगे 5 के लिए, करेंगे कैसे होगा? 10 का पहाड़ा 5 में देने पड़ेगा, 0.5 लगा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे, और 10 पंजे हमारा आ जाएगा 50। तो हमारा कितना है? 0.5 हमारी आपकी आई मोलरता। मोलरता कितनी आई? 0.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहे हैं? मोलरता। तो मोलरता का सूत्र होता है हमारे पास, मोलरता का सूत्र होता है उसी की तरह, ये खाली बी की जगह डब्ल्यू हो जाएगा, W/m×W×1000। ये हमारा होता है मोलरता का, मोलरता का सूत्र होता है। अब डब्ल्यू का मतलब होता है ब्ले का भार, और ये होता है ब्लैक का भार। सही, अब इसमें देखो, जो चीज घुली हुई होती है उसे कहते हैं ब्ले। तो इसमें देखो, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी घुली भी है, तो ये जो चीज़ घुली हुई थी इसका मतलब उसका मान होता है छोटा डब्ल्यू, छोटे डब्ल्यू का मान है 34.2। जो चीज़ घुली हुई होती है, जो चीज़ घुली हुई होती है उसे ब्ले कहते हैं। तो ब्ले का वजन है 34.2 ग्राम चीनी घुली हुई है, और ये तुम्हारा चीनी का सीरा है। सीरा का मतलब है इसके अंदर पानी भी चीनी भी है, दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ें ये बिलन हो गए, बिलन है, ब्लैक का नहीं है, ये बिलन का है। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? बड़ा डब्ल्यू होता है ब्लैक। अब इसमें यहाँ पर जो चीज़ घुली हुई है उसे ब्ले कहते हैं, तो ब्ले का वजन तो 34.2 ग्राम हो गया, लेकिन ये वजन दिया हुआ है, ये पूरा बिलन का मान दिया है, क्योंकि चीनी का सीरा, तो सीरा में पानी भी होता है और चीनी भी होती है, तो पूरे इसका वजन है बिलियन का, लेकिन मुझे चाहिए डब्ल्यू का मतलब ब्लैक का। तो ब्लैक का निकालूंगा, तो बिलियन में से बिले घटा दूँ, बिलियन वाले में से ये बिलियन का वजन है, ये बिले का वजन है, तो बिलियन के बिले में, बिलियन के वजन में से यदि मैं बिले का वजन घटाऊंगा तो किसका आएगा? ब्लैक का वजन आ जाएगा, यानी कि 214.2 ग्राम में -34.2 ग्राम कितना बचेगा? 2 में 2 गया 0 बचा, 0.11 में 3 गया 8, और बचा 180। पॉइंट के आगे 0 मानते नहीं, तो डब्ल्यू का मान कितना है? 180, मतलब ब्लैक का वजन है, ब्लैक का बाहर है 180। अच्छा, एम का मान
अब एम का मान निकालना पड़ेगा। एम का मान सूत्र से निकलेगा, क्या चीज घोली है मैंने, चीनी। तो चीनी का सूत्र है C12 H22 O11। तो कार्बन का 12 होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब 12 की नीचे संख्या गुणा में लिखेगी, 12 गुणा 12 से कर देंगे, प्लस एच का अड़ुभार होता है 1, नीचे वाली संख्या गुणा में लिख देंगे। अब प्लस ओ का मतलब होता है, ओ का होता है 16, नीचे वाली संख्या इनकी 12 12 की 144 गुणा आ जाएगी, प्लस 22 एकम 22, और 16 11 गुणा कर लेना 11 66 लगा 6 11 एकम 11 11 6 17 176, इनको जोड़ लेंगे 4 2 6 6 6 12, हाँ चल लगा 1 4 7 11, और 1 4 2 6 6 7 13 14, हाँ चल लगा 1 और 342। तो चीनी का जोड़ उभार आता है अब कितना होता है 342। टाइम का मान आया तुम्हारा 342। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे, मोल सब पूछ रहा है। तो डब्ल्यू का मान, छोटे डब्ल्यू का मान 34.2, और एम का मान तुम्हारा कितना है 342, और डब्ल्यू का मान कितना है 180 गुणे ये। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं पॉइंट, तो पॉइंट काट देंगे। पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट का एक संख्या तो नीचे 1 0 लग जाएगा। ठीक, अब नीचे 2 0 है, ऊपर 3 0, 2 0 से हमारा 2 0 कट गया, और 2 कट गया, 342 से हमारे 342 कट गए, ऊपर के समय 10 और नीचे 0 0 कट गया वाला। ठीक, 2 0 जी हैं और 2 0 काट दिए मैंने। ठीक, ऊपर बचा 342 से, 342 से 342 कट गया, ऊपर बचा 10, नीचे बचे 18, 18 से हम भाग कर लेंगे 10 के लिए, देखो कितना आएगा, 18 से भाग करेंगे 10 के लिए, तो 18 का बड़ा 10 में तो नहीं पड़ा जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 18 पंजे, तो फिर 10 बजेगा, फिर आएगा 5, तो 0.5 आएगा, 0.55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेलन की मूलता ही हमारी 0.5। तो कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर सीरा था, सीरे में यहाँ पर थोड़ा आपको हो सकता है परेशानी को, सीरा ये दिया है हमारा बिलियन का वजन। सीरे में क्या चीज़, दो चीज़ देखो, ब्लेब होता है जो चीज़ घोली जाती है, ब्लैक होता है जिसमें घोल जिसमें जिसके अंदर घोली जाएगी। तो पानी हमारा इसके चीनी का सीरा, तो सीरा में दो चीज़ें, पानी है और एक चीनी है, तो पानी तो ब्लैक हुआ, तो ब्लैक का वजन तो दिया नहीं, सीरे का वजन दिया है, सीरे का मतलब बिलियन का वजन दिया है, तो बिलियन के वजन में से मैंने जो ब्लैक का वजन घटाया तो ब्लैक का वजन आया, क्योंकि छोटा डब्लू होता है ब्ले का वजन और बड़ा डब्लू होता है ब्लैक का वजन। तो मुझे यहाँ पर ब्ले का तो दिया था, जो चीज़ घोली गई थी, चीनी घोली गई थी ना इसमें, तो चीनी का तो दिया, तो डब्लू का तो दिया, छोटे डब्लू का, बड़े डब्लू का पता नहीं था, तो इसमें इस बारे में से ये वाला घटा दिया, तो बड़े डब्लू को माना गया। ठीक, एम का मान मैंने बताया सूत्र से निकालते हैं, एम का मतलब होता है अड़ुभार, अड़ुभार किसका, जो चीज़ घोली गई है, तो चीनी घोली गई तो चीनी का अड़ुभार, चीनी का सूत्र होता है, तो मैं इस अड़ुभार निकाल लिया, इसका आया 342। तो मैंने सूत्र में रख दिया कि डब्लू का मान 34.2 था और एम का मान 342 रख दिया मैंने, वाला एम का मान कितना निकाला 342, और गुणे 180, बड़े डब्ल्यू को माने 180 गुणे 1000, काटा पीट करके हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जब भी मूल प्रभाज पूछे या मोलन्स पूछे तो क्या करना है, इसमें दो चीज़ हुई, एक ब्लै होगा और एक ब्लैक होगा, सही है, तो पहचाने से मान लो जो ज़्यादा चीज़ है वो ब्लैक है, जो कम है वो ब्ले है, तो हम एक तरफ ब्लैक लिख लेंगे। यदि ब्ले के मूल जो मूल प्रभाज वाले सवाल हैं, तो दोनों तरफ ब्ले अलग कर लेना, ब्लैक अलग कर लेना, तो ब्लैक और ब्ले तो 2 ग्राम है ना, तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एक तो ब्लैक मान ले रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक मान ले, इसे ब्ले मान ले रहा हूँ, इसे मान ले रहा हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, तो मैंने ब्लैक, किसी को मान लो ब्लैक, आप भी मिलती है, चलो इसे ब्लैक मान ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसको हम ब्लैक मान ले रहे हैं, तो जो ग्राम है वो डब्लू का मान, डब्लू का मान 72 हो, इसे ब्ले मान ले रहे हैं, तो इसमें भी डब्लू का मान कितना, 92, ब्ले में छोटा डब्लू बना देते हैं, ठीक, ब्लैक में बड़ा डब्लू बना देते हैं। अच्छा, मोल प्रभाज के सूत्र में, जब मोल प्रभाज का सूत्र लगता है, तो मोल प्रभाज सूत्र में एन बटे एन प्लस एन लगता है। अब इसमें एन का होता है मूल संख्या, यहाँ तो मूल संख्या दी नहीं है, जब भी मिले का मूल प्रभाज या मूल अंश पूछेंगे तो ये वाला सूत्र लगना ही लगना है इसमें। ठीक है, अब इसमें एन के मान तो कहने दिए, तो एन के मान बताया था, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे एम होता है, तो अब इसमें डब्ल्यू के और एम के मान चाहिए, तो डब्ल्यू का मान तो 72 आ गया, और ब्लैक मैंने जल को मान के चल जाऊँ, तो जल का सूत्र कितना होता है,
जल का होता है H2O। अब इससे मैंने अणु भार पहली भी जल का अणु भार याद रख लेंगे, कितना निकलेगा 18। एच का होगा एक, बताना काट लो निकाल दो, एच का होगा एक, नीचे वाले संख्या गुणाम प्लस ओ का होता है 16, और दो कम दो 16, तो कितने 18, तो एम का तो जल का अणु भार कितना 18। इसका भी निकाल लेंगे, ब्लैक में से मैंने ब्लैक जल माना था, ब्लैक कौन माना, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल लिखते हैं C2H5OH। इससे निकाल लेंगे इसका उभार, तो C2H5OH। कार्बन का होता है 12, नीचे वाली संख्या गुणाम लिख देंगे, प्लस एच का होता है 1, नीचे वाली संख्या गुणाम लिख देंगे, प्लस ओ का होता है 16, प्लस एच का मतलब होता है, एच का अणुभार होता है 1। इन सबको ऐड कर लेंगे, 12 दूनी 24, 5 एकम 5 16 प्लस 1, तो 4 5 9 9 6 15 अरे 16, हाथ से लगाइए 1 2 3 अरे 4 40 आया। इसका अणुभार कितना आया भैया 40। तो तुम्हारे पास डब्ल्यू का भी मान है, एम के मान है, इसे ब्लैक मानना है, इसमें बड़ा डब्ल्यू मान लो, बड़ा एम मान लेंगे, इसमें इसे बिले मान लो छोटा डब्ल्यू और छोटा एम मान लेंगे, तो ब्लैक मानना है इसे बड़ा एन लिख दे रहे हैं, डब्ल्यू बटे एन, तो एन बराबर, इसमें डब्ल्यू का मान कितना, इसमें डब्ल्यू का मान है 72, और एम का मान कितना 18, 18 चौक 72, तो एन बराबर आ गया आपका 4। इसमें भी मानेंगे एन बराबर, इसमें छोटा डब्ल्यू मानेंगे छोटा एन, एन बराबर डब्ल्यू बटे एन, डब्ल्यू का मान कितना 92, और एम का मान कितना 46, 46 दूनी 92, तो एन का मान आया हमारा 2। एक ब्लैक का, इसने दोनों का मूल प्रभाव हो जाए, ब्लैक का और ब्ले दोनों का मूल प्रभाव हो जाए, दोनों का पूछ रहे हैं ना, तो एक ब्लैक है ब्ले, तो ब्लैक का मूल प्रभाव का सूत्र होता है, ब्लैक का मूल प्रभाज सूत्र होता है एन बटे एन प्लस के एन, समझ रहे, ब्लैक को ब्लैक में तो बड़ा एन ऊपर होता है, तो बड़े एन का मान इसमें 4 आया है, तो एन के जगह लिख देंगे हम 4 बटे छोटे एन का मान कितना, छोटा एन इधर होगा, छोटे एन का मान आया है 2, तो लिख देंगे इसमें 2 प्लस बड़े एन का मतलब है 4, तो 4/6, ऊपर नीचे काट दो, 2 2 4 2 3 6 2/3, और आगे भी हल कर सकते हैं, 3 से 2 को भाग करके जितना आंसर आप लिख देंगे, ठीक। अब ऐसे ही ब्लैक निकला है, ब्ले का मूल प्रभाज, ब्ले का मूल प्रभाज, ब्ले का निकालोगे तो छोटा एन होता है नीचे, एन प्लस एन सेम रहता है, और छोटे एन का मान यहाँ का लगाया, छोटे एन का लगाया मैंने 2, 2 छोटे एन का मान 2 है, और बड़े एन का मान कितना है, बड़े एन का निकालो, बड़े एन का 4 आया था, प्लस क्या कर देंगे 4, 2/6, 2 एकम 2 2 3 6/3, 3 से भाग करो 1 को, ली जितना आंसर आया यहाँ लिखेंगे, ठीक। वैसे इतना ही लिख रहे हैं तब भी सही, ये हमारे ब्ले का मूल प्रभाज या मूल अंश ऐसे निकाल दें, ठीक। अगला मेरा सवाल है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी आवाष्पशील विद्युत अपघट पदार्थ के 10 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिलीलीटर से घटकर 17.235 मिलीलीटर हो जाता है, विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें विलय अणुभार कहते हैं, एम पूछ रहा है इसमें, ठीक। अब ये वाला सूत्र क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि वाष्प दाब, अब वाष्प दाब मैंने इस पहचान सवाल के अंदर सबसे मेन पहचान होती है कि हमारे इसमें पूछ मतलब सब सूत्र कौन सा लगे, सूत्र तो हमने 10-12 पढ़े हैं, लेकिन हमें इसमें सूत्र कौन सा लगाना है। इसमें देखो, अब ये बताए ग्राम है तो डब्ल्यू का मान तो क्लियर है, तो मैंने लगाया था 10 ग्राम, डब्ल्यू का मान होगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि वाष्प दाब, वाष्प दाब बताया था मैंने, P0 और PS से कहते हैं वाष्प दाब, सही। एक होता है ब्लैक का वाष्प दाब, एक होता है ब्रिन का वाष्प दाब, तो 17.535 मिलीलीटर से घटकर 17.200 मिलीलीटर हो जाता है वाष्प दाब, यहाँ पर घट के इतने रहेगा, तो इसमें एक ब्लैक का वाष्प दाब और एक बिलन का, तो इसे मान लेंगे जो पहला वाला है इसे ब्लैक का वाष्प दाब, तो ब्लैक का वाष्प दाब कहते हैं P0 से, P0 का माना है 17.535, और इसे मान लेंगे घट के जितना घट के रह जाएगा वो विलयन का होगा, जो पहले वाला होगा ब्लैक का होगा, जो घट के रह जाएगा विलयन का होगा, ठीक है। याद रखना पहचान यही है कि घट के इतना रहेगा, तो जो पहले था वो ब्लैक माना जाएगा, जो बाद में घट के रह जाएगा वो विलयन का माना जाएगा, तो ब्लैक का वास्ता P0 से कहते हैं, विलयन का वास्ता PS से कहते हैं, तो 17.235 सही है। तो पहचान क्या, वाष्पदाब, वाष्पदाब की पहचान है, तो वाष्पदाब की पहचान है राउल्ट का नियम का सूत्र लगेगा, यानी कि एक P0 इसमें, एक PS है, ये तुम्हारा W हो गया। अब पूछ कह रहा है इसमें विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए,
और उभार का मतलब आया। पूछ रहे तो सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र हमारे पास होता है पी जीरो माइनस के पी एस बटे पी जीरो बराबर, वैसे तो एन बटे एन प्लस के, ये वाला सूत्र होता है, लेकिन इसके जगह हम क्या लगा देते हैं, डब्लू बटे एम गुणा बड़ा डब्लू बटे बड़ा एम बटे बड़ा डब्लू, से याद रखना। तो पी जीरो का मान कितना है, 17.535 माइनस, और पी एस का मान है 17.235 बटे, पी जीरो का मान है 17.535 बराबर, इसके जगह लगाया ना मैंने डब्ल्यू, छोटे डब्ल्यू का मान है 10, ठीक। और इसमें बिले का उभार पूछ रहा था, बिले का तो छोटा, तो छोटे एम का मान तो पता नहीं है, और बड़े एम का मान इसमें देखो, छोटे डब्ल्यू बिले का भार तो उभार तो पूछ रहा है, छोटे डब्ल्यू एम छोटा एम का मान पूछ रहा है, बड़ा एम, तो बड़े एम का मान कहाँ पर है इसमें, बड़े एम का मान भी पता नहीं है, बड़े डब्ल्यू, डब्ल्यू कहते हैं ब्लैक का भार, तो ब्लैक जिसमें घोड़ी जाती है, तो 10 ग्राम जल को इसमें लिखा नहीं है ना, 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में ये लिखा जाएगा, सही, 100 ग्राम जल में, तो जो 100 ग्राम जल में विलय करेंगे तो तभी तो होंगे, एक छोटा डब्लू होना चाहिए, बड़ा डब्लू तो कम वाला वजन है, छोटा डब्लू बड़ा वाला वजन इसमें दिया नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं था ना, 100 ग्राम जल में घोला गया, तो बड़ा डब्लू का मान है हमारा 100 ग्राम, और जिसके अंदर घोला है विलय ब्लैक है, तो इसका एम का मान चाहिए, एम का मतलब अड़ू भार, तो जल का अड़ू भार तो पैसे रेटिंग कितना होता है, जल 18 होता है, ठीक। तो जल का अड़ू भार हमारा हो गया 18 बटे, और बड़े डब्लू का मान हमारा आया 100, ठीक। अब क्या करेंगे, 17.535 में 17.235 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक, 0.0 पॉइंट मान लेंगे, 17 में 17 0 बचेगा बटे 17.535 बराबर, ऊपर नीचे काट भी सकते हो, 10 धाम 100, ऊपर 18 है नीचे 10 की एम से गुणा करें 10, ठीक है, पॉइंट सा पॉइंट काट सकते हैं, आमने सामने भी काट सकते हैं, 6 का 12 6 5 30 और 6 3 18, तो बचा 50/17.535, 3/10, काटो जब तक कट रहा है, 5 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 धाम 50, 5 3 15 और 7 17 में से 15 25, 5 25 और 5 का 3 में तो नहीं पड़ा जाएगा, डबल संख्या में 0 5 7 35, ठीक। तो कितना आएगा, 10/35 07 बराबर 3/10 है, ठीक, बराबर निशान तिरछे गुणा करेंगे, गुणा इनसे कर लेंगे, इन गुणा इनसे कर लेंगे, 10 धाम 100 एम, 10 धाम 100 एम बराबर 3 7 21, 3 5 15 हासिल लगा 1, और 3 3 और 1 10, ठीक, 3 से मैंने इसकी गुणा कर ली तो 10 5 521 आई। अब एम का मान निकालना है, तो एम ऐसे रहेगा और गुणा की चीज़ है जो बचाई बटे एम बराबर हो गया तुम्हारा, नीचे 100 लिखें, 100 का मतलब नीचे 2 0, 2 0 के बाद लग जाएगा पॉइंट, नीचे 2 0 हो ना, तो 2 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 105.21 यहाँ लग जाएगा पॉइंट, एम का मान आया 105.21, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर ब्लैक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ब्लैक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, शक्कर का अणुभार दिया है 342, शक्कर चीनी से कहते हैं, चीनी का अणुभार 342 होता है, ठीक, ग्लूकोज का 180 होता है, जल का 18 होता है, कुछ याद रख लेंगे, जल बढ़िया रहेगा। अब इसमें हम करते हैं, तो भाई इसमें 2 ग्राम है, एक तो 1.17 ग्राम है और 25 ग्राम जल में घोला गया, तो ये तो विलेय का वजन हो गया, जिसमें घोला गया ब्लैक का वजन, तो जिसको घोलते हैं वो छोटा डब्लू 1.17, और ये बड़ा डब्लू हो गया 25, 2 ग्राम है ना, एक छोटा डब्लू बड़ा डब्लू होगा, ब्लैक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, तो बढ़ जा का मतलब बढ़ जाता का मतलब उन्नयन हो जाता है, तो
इतना, अब जिसके आगे डिग्री सेंटीग्रेड में टी का मैं बताया था, तो डेल्टा टी बी, डेल्टा बी, डेल्टा टी बी से कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ क्वथनांक की बात चल रही थी, यहाँ बी आएगा, सही है। तो क्वथनांक में बढ़ बढ़ जाता का मतलब उन्नयन हो जाता है, बढ़ना का मतलब उन्नयन होता है ना, तो क्वथनांक में उन्नयन हो गया, तो इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी से कहते हैं। तो डेल्टा टी बी का माना 0.07। विलय का अणु उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कैसे कहते हैं, अब उन्नयन की वजह से बी लग जाएगा, के बी पूछ लेगा। और अणु भार कहते हैं एम से, एम दिया है तुम्हारा 342। सूत्र लगाते हैं इसमें, ये हमारा सूत्र है के बी बराबर एम गुणा डेल्टा टी बी गुणा बड़ा डब्लू बटे 1000 गुणा छोटा डब्लू, ठीक। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो के बी का मान तो मुझे पता नहीं है क्योंकि स्थिरांक का ही पता नहीं है मुझे, क्योंकि स्थिरांक पूछ रहा है। एम का मान 342 है, डेल्टा टी बी का मान कितना 0.070 है, गुणा बड़े डब्लू का मान कितना 25 है, और 1000 इसे उतार लेंगे हम, और छोटे डब्लू को माना 1.17। तो हम काटा पीटा कर लेते हैं, काट लेते हैं 25 चौका हो जाएगा हमारा 100, 25 चौका 100, 0 बचा तो उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के आगे 3 संख्या हैं, इस पॉइंट के आगे 2 संख्या हैं, एक अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हमारा कट हो जाएगा। तो ऊपर बचा हमारा 342 गुणा 70, नीचे बचा हमारा 40 गुणा 1170, ये बचा, ठीक। अब 17 की और 342 की गुणा जितनी आए यहाँ लिख देना ऊपर, और 1170 की 40 से गुणा आए वो लिख देना, फिर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर देना, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले सवाल के अंदर पहचान है कि इसमें सूत्र ये वाला कैसे लगा, ये क्यों लगा और क्यों नहीं लगा हमारा, तो इसमें पहचान ये थी कि क्वथनांक में उन्नयन वगैरह, जो क्वथनांक की बात चलेगी कि क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, हिमांक में क्वथनांक और हिमांक वाले सवाल चलेंगे, तब ऐसी कंडीशन में ये वाला सूत्र आपका लगेगा। यदि हिमांक में होता यहाँ पर अवनमन होता, सब क्वथनांक की जगह अवनमन होता, तो यहाँ पर एफ कर देते, यहाँ पर और यहाँ पर एफ कर देते, सूत्र वही रहता। तो क्वथनांक और हिमांक में अवनमन की बात चल रही है, क्वथनांक हिमांक की बात चल रही, तो ऐसी स्थिति में हम ये वाला सूत्र लाएंगे। और जब बाष्प दाब की बात चल